हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी ब्लॉगिंग के क्या क्या फायदे होते हैं एंड हिंदी ब्लॉगिंग का फ्यूचर में स्कोप कैसा होगा। प्लस गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसे हिंदी ब्लॉग्स भी दिखाऊंगा जिनपे ऑलरेडी अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है एंड इसी वजह से वो हिंदी ब्लॉग्स बहुत ही अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अच्छी-अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहें। अब गाइस, हिंदी ब्लॉगिंग का सबसे पहला फायदा यह है कि हिंदी ब्लॉगिंग में कंपटीशन बहुत ही कम है एंड इसी वजह से रैंक करना बहुत ही आसान हो जाता है। एंड गाइस, ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत इंग्लिश ब्लॉग के साथ ही करते हैं एंड इसी वजह से इंग्लिश ब्लॉगिंग में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा है एंड रैंक करना बहुत ही मुश्किल है। एंड गाइस, दूसरा फायदा यह है कि आप हिंदी ब्लॉग्स को आसानी से लिख सकते हैं। मतलब अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे इंग्लिश नहीं आती एंड सिर्फ हिंदी आती है तो आप हिंदी में अपना एक ब्लॉग बना करके अपनी ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अब गाइस, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ गलतफहमियां हैं हिंदी ब्लॉगिंग के बारे में। तो सबसे पहली गलतफहमी ये रहती है कि हम कौन से कीवर्ड को टारगेट करें अपने हिंदी ब्लॉग पे। मतलब गूगल पे बहुत ही कम लोग हैं जो कि शुद्ध हिंदी में कुछ सर्च करते हैं। तो गाइस, आपको शुद्ध हिंदी वाले कीवर्ड्स को यूज नहीं करना है, आपको इंग्लिश कीवर्ड्स को यूज करना है। मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिसके अंदर हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। एंड गाइस, दूसरी गलतफहमी हिंदी ब्लॉगिंग के बारे में ये है कि हिंदी ब्लॉगिंग में बहुत ही लो सीपीसी मिलता है। लेकिन गाइस, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हिंदी ब्लॉगिंग में भी आपको कीवर्ड्स के बेसिस पर ही सीपीसी मिलता है। अब गाइस, अगर आप हिंदी ब्लॉग चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हिंदी में आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, वो भी बिल्कुल यूनिक। तो गाइस, वो आप कैसे लिखेंगे? तो गाइस, उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे जिसका नाम है हिंदी में यूनिक आर्टिकल कैसे लिखें। उस वीडियो का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई बटन में मिल जाएगा। आप जहां से चाहे वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब गाइस, हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे हिंदी ब्लॉग्स जिनपे ऑलरेडी अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है एंड इसी वजह से वो बहुत ही अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब गाइस, सबसे पहला जो हिंदी ब्लॉग है उसका नाम है hindime.net। गाइस, इस ब्लॉग के ओनर है मिस्टर चंदन साहू। एंड गाइस, अब मैं आपको इस ब्लॉग का ट्रैफिक दिखाता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि पर मंथ 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग इस ब्लॉग पर आते हैं। एंड गाइस, अगर मैं इनके ट्रैफिक के हिसाब से इनकी अर्निंग निकालूं तो ये मोर देन $1500 से ज्यादा ही कमा रहे होंगे इस ब्लॉग से। अब गाइस, अगला जो ब्लॉग है उसका नाम है makehindi.com। गाइस, ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल हिंदी ब्लॉग है एंड इसका मैं आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इस पे करीब 2.5 लाख का ट्रैफिक है। एंड गाइस, आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉग गूगल एडसेंस की एड से मोनेटाइज्ड है। एंड अगर मैं इनकी एस्टिमेटेड अर्निंग निकालूं सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस से तो गाइस ये करीब करीब $600 या $700 से ज्यादा कमा रहे होंगे इस ब्लॉग से। उसके बाद गाइस, अगला जो ब्लॉग है उसका नाम है hindisahayata.in। गाइस, ये भी एक सक्सेसफुल हिंदी ब्लॉग है। गाइस, इसका अगर हम ट्रैफिक चेक करें तो गाइस इस ब्लॉग पे एवरेज ट्रैफिक 3.5 लाख का रहता है। एंड गाइस, ये ब्लॉग भी गूगल एडसेंस की एड से ही मोनेटाइज्ड है। एंड इनके ट्रैफिक के हिसाब से अगर हम इनकी एस्टिमेटेड अर्निंग निकालें तो ये ब्लॉग $1000 से ज्यादा ही कमाता है हर महीने सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस से। उसके बाद गाइस, अगला हिंदी ब्लॉग है hindimeaning.com। गाइस, ये बेसिकली एक माइक्रो नीश ब्लॉग है। एंड अगर हम इसके ट्रैफिक को चेक करें तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉग पे 5 लाख से ज्यादा का ही ट्रैफिक है। एंड उस हिसाब से अगर हम इनकी एस्टिमेटेड अर्निंग निकाले इस ब्लॉग से तो गाइस ये $1500 के आसपास कमा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस की मदद से। उसके बाद गाइस, अगला जो ब्लॉग है उसका नाम है hindikidunia.com। गाइस, ये एक मल्टी नीश ब्लॉग है। एंड गाइस, अगर हम इसका ट्रैफिक चेक करें तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस पे करीब करीब 2.5 लाख के आसपास का ट्रैफिक आता है पर मंथ। एंड ये भी गूगल एडसेंस से ही मोनेटाइज्ड है। तो उस हिसाब से अगर हम इनकी एस्टिमेटेड अर्निंग निकाले सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस से तो गाइस ये $600 या फिर $700 से ज्यादा ही कमा रहे होंगे इस ब्लॉग से। अब गाइस, ये तो मैंने आपको कुछ ही हिंदी ब्लॉग्स दिखाए, लेकिन गाइस और भी कई सारे हिंदी ब्लॉग्स हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है इनकी तरह। एंड गाइस, अभी तो सिर्फ मैंने आपको इनकी गूगल एडसेंस की अर्निंग बताई है। ये लोग गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू भी कमाते होंगे, बैकलिंक्स के थ्रू भी कमाते होंगे एंड एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी कमाते होंगे। तो गाइस, अगर उन सभी की अर्निंग जोड़ दी जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये ब्लॉग्स कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। तो गाइस, आपने देखा कि कितना ज्यादा ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है इन ब्लॉग्स पर। तो गाइस, आप भी अपना एक हिंदी ब्लॉग चालू कर सकते हैं। एंड अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप हिंदी ब्लॉग
ब्लॉगिंग के साथ ही अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को चालू करें, क्योंकि हिंदी ब्लॉग को रैंक कराना आपके लिए ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू इंग्लिश ब्लॉग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से मिलते रहें।